दोस्तों आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, कल मैंने टेलीग्राम पे एक पोस्ट अपलोड करी थी एंड आप सभी से पूछा था इस वाले सेटअप के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप में से काफ़ी लोगों ने बोला कि हाँ भाई बनाओ। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो इस वीडियो में मैं आपको जो भी वॉलपेपर्स बताऊंगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ 18+ वॉलपेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप वॉच करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है, या फिर आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे जो वॉलपेपर है, समझ रहे हो, एंड सब कुछ बताने वाला हूँ, एंड थोड़ा सा वीडियो मैं एडिट कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब में आपको दिखा नहीं सकता, एंड पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो कंप्लीट वीडियो को एंड तक वॉच करना। अब देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आज मैंने अपने सेकंड चैनल कस्टमाइज जोन पे एक बहुत ही अमेजिंग दैट नोट का कंप्लीट सेटअप अपलोड कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, जाके वॉच कर लेना। सबसे पहले बात करेंगे हम होम स्क्रीन की, एंड लॉक स्क्रीन में आपको बाद में बताऊंगा। अगर आपको वॉलपेपर्स देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं डाल दूंगा। अब यहां पे होम स्क्रीन आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, फर्स्ट वॉलपेपर कुछ ऐसा आपके सामने देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको यहां पे कुछ इस टाइप की क्लॉक विजिट देखने को मिलती है। अब देखो डायनेमिक आइलैंड यहां पे वर्क करेगा या नहीं करेगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑन किया म्यूजिक प्लेयर को, यहाँ पे मैंने सॉन्ग प्ले किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड इनेबल हो जाता है। तो इस वाले फीचर को आप ट्राई कर लेना। अब देखो नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, तो आइकन्स आपको कुछ इस टाइप के देखने को मिलेंगे, iOS वाले आइकन्स देखने को मिल जाते हैं, तो देखने में यार काफ़ी अमेजिंग आइकन्स है। कंप्लीट यहाँ पे जो भी सिस्टम आइकन्स एंड जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है वो सभी यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। अब देखो कंट्रोल UI की बात करते हैं तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, आपके स्मार्टफोन में ग्रे या फिर ब्लैक बैकग्राउंड शो करता है वो भी यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, एंड न्यू टॉगल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे जो स्टेटस बार देखने को मिलता है वो भी आपके सामने कंप्लीट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। बैटरी परसेंटेज का आइकन आप देख सकते हो, वो भी आपके सामने चेंज देखने को मिलेगा। अब देखो सिस्टम UI की बात करते हैं, तो सिस्टम UI को आप ऑन करोगे आपके सामने प्योर iOS 17 वाली देखने को मिल जाती है। अब देखो वॉल्यूम बार आपके सामने कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, एंड कंप्लीट यहाँ पे भी चेंज हो जाता है। अब देखो मेन फीचर की बात करते हैं जिसका आप सभी वेट कर रहे थे, वो है लॉक स्क्रीन। तो लॉक स्क्रीन को ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, यहाँ पे टॉप में विजिट देखने को मिलती है, वॉलपेपर भी यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, बस कस्टमाइज करके ही दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज करने के लिए डबल टैप करना है। अब देखो जैसे डबल टैप करोगे आपके सामने फर्स्ट नंबर का डेट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब देखो डेट का कलर आप यहाँ पे रेड एंड जो भी आपको करना है कर सकते हो। उसके बाद फॉन्ट को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जो भी आपको रखना है आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। उसके बाद ओपेसिटी को डार्क एंड लाइट कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट फीचर आपको यहाँ पे टाइम का देखने को मिलता है, तो टाइम की फॉन्ट को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अब देखो आपको यहाँ पे डेप्थ वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिलता है, अभी देख सकते हो विजिट आपको पीछे देखने को मिलती है, एंड जो वॉलपेपर है आपको आगे देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे भी आप कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। अब देखो आप यहाँ पे फॉन्ट चेंज करोगे तो होम स्क्रीन में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, तो विजिट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे काफ़ी सारे न्यू विजिट को अप्लाई कर सकते हो एंड इनकी पोजीशन को भी सेट कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट फीचर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अब देखो यहाँ पे मैं ब्लर कर दूंगा, एडिट कर दूंगा, एंड ऊपर का आपको दिखेगा। अब यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, अब देखो क्लिक करने के बाद फर्स्ट नंबर पे आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलता है, आपके सामने यहाँ पे न्यू वॉलपेपर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप के आपके सामने वॉलपेपर्स देखने को मिलेंगे, एंड आप काफ़ी सारे अमेजिंग गर्ल वाले वॉलपेपर ही देखने को मिलता है, तो इनको ट्राई करके देख लेना। मैं आपको नीचे वाला पोर्शन नहीं दिखा सकता, एंड कुछ इस टाइप के आपके सामने वॉलपेपर्स देखने को मिलेंगे, तो ट्राई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपको 12 देखने को मिलता है, बट इनको भी आप और कस्टमाइज कर सकते हो। कौन सा फीचर है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, नॉर्मल वॉलपेपर का, यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद और भी आपको डिफरेंट टाइप के गर्ल वाले वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं, तो इनको भी आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई करके देख सकते हो, बहुत अमेजिंग क्वालिटी देखने को मिलती है। उसके बाद अब देखो नेक्स्ट फीचर आपको देखने को मिलता है सेलेक्ट वॉलपेपर का, अब यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कस्टम वॉलपेपर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे इंसर्ट वॉलपेपर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, एंड जो फोल्डर वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है, डबल क्लिक ऑन बोथ साइड टू स्विच वॉलपेपर, इसको आप ऑन करोगे, एंड अगर आप यहाँ पे कॉर्नर में डबल टैप करते हो तो आपके सामने वॉलपेपर चेंज हो जाएगा, तो ये वाला फीचर ट्राई करके देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, तो आप यहां पे ऑन कर सकते हो, डेप्थ इफेक्ट है, लाइव वेदर इफेक्ट है, एंड लाइव कार्ड का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर भी आपको यहां पे देखने को मिल जाता है, तो इसको ट्राई करके देख लेना। एंड नेक्स्ट फीचर आपको यहां पे इफेक्ट का देखने को मिलता है, तो इसको ट्राई करके देख सकते हो। अब देखो बात करते हैं इन सभी को आप अपने स्मार्टफोन में कैसे अप्लाई करोगे, तो इनको अप्लाई करना बहुत ज्यादा सिंपल है, बस आपको
आपको क्या करना है, थीम स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ये वाली थीम डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप नेम देख सकते हो, ये वाला नेम आपको टाइप करना पड़ेगा, काफ़ी डिफरेंट नेम है एंड बड़ा भी है, तो इसको आप डाउनलोड कर लेना। आप देखो ये वाला नेम आप टाइप करोगे आपके सामने थीम ओपन हो जाएगी, तो इसको आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आप क्रिएटर का नेम देख सकते हो, 78 MB की थीम देखने को मिलती है, तो डाउनलोड करके अप्लाई कर देना। आप देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको यहाँ पे मैंने बताया था पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो देखो इसका पासवर्ड मेरे को नहीं मिला है, मैंने बहुत सर्च किया मुझे नहीं मिला। आप देखो मैंने आपको जो भी फीचर्स बताए वो विदाउट पासवर्ड के थे, अगर आपको अप्लाई करना है तो कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो आपकी मर्जी है। तो काफ़ी अमेजिंग थीम है, ट्राई कर सकते हो, न्यू वॉलपेपर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।